सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाए मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। नवी मुंबई में कोरोना ग्रस्त मरीजों का आंकड़ा 500 पार हो चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज एपीएमसी मार्केट से जुड़े हैं। मार्केट में कार्यरत व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारी, मजदूर कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिसके चलते उनके परिजनों को भी कोरोना होने की बात सामने आई है, जिस कारण एपीएमसी मार्केट बंद रखने की मांग शहर के नागरिक एवं एपीएमसी में काम करने वाले व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारियों द्वारा की जा रही थी। मगर एपीएमसी मार्केट के माध्यम से एमएमआर क्षेत्र में अत्यावश्यक चीजों की पूर्ति किए जाने के चलते एपीएमसी मार्केट शुरू रखना जरूरी होने की बात पालिका आयुक्त अण्णा साहेब मिसाल ने कही थी। एपीएमसी आणि मुंबई कडून जे लोक जाणं येणं करतात, याच्यामुळे ही संख्या आपल्याकडे वाढते, हे वस्तुस्थिती जरी असली तरी एपीएमसी या ठिकाणाहून अत्यावश्यक वस्तू या सर्व एमएमआर एरियात जात असतात, त्यामुळे ती चालू ठेवणं आवश्यक आहे। लोगों की मांग एवं शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को कुछ हद तक रोकने हेतु पूर्व मंत्री एवं एरोली मतदार संघ के विधायक गणेश नाइक ने शहर के हित को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पनन मंत्री, विधानसभा एवं विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता, कोंकण आयुक्त, जिलाधिकारी को पत्र लिखकर एपीएमसी मार्केट बंद रखने की मांग की थी। उनकी मांग को गंभीरता से लेते हुए अब राज्य सरकार द्वारा 11 मई से 17 मई तक एपीएमसी के 5 मार्केट, जिसमें समावेश है सब्जी मार्केट, दाना मार्केट, कांदा बटाटा मार्केट, मसाला मार्केट एवं फल मार्केट, बंद रखने का निर्णय लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएमटीवी न्यूज़।